अस्सलाम वालेकुम एवरी वन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बनाएंगे एक नॉर्मल स्किन टोन के हिसाब से बेस। तो उससे पहले कुछ चीज़ें जो ज़रूरी हैं वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। क्वेश्चन जो आता है कि हमारा जो मेकअप है वो ग्रे हो गया है, हमारा जो मेकअप है वो ज़्यादा टाइम तक नहीं टिका और उसके बाद जो है उतरना शुरू हो गया है, या हमारा मेकअप जो है वो ब्लैक होना शुरू हो गया है, पैचेस बन गए हैं, तो बेस बनाने में हमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। इसी वीडियो के अंदर हम ये भी डिस्कस करेंगे। और मैट बेस आप किस तरीके से बना सकती हैं, उसके साथ आप ड्यूई ग्लोई बेस किस तरीके से बना सकती हैं, ये तमाम चीज़ें इसी वीडियो के अंदर हैं। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि बहुत काम आने वाली है ये आपकी वीडियो। आज मैं एक जो प्रोडक्ट है जो मार्केट में चल रहा है ऑलरेडी, उसके साथ मैं आप लोगों को बेस बनाना बताऊंगी, लेकिन आने वाले वीडियोस के अंदर आपको मैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स के साथ बेसिस बनाना बताऊंगी। आज जो है हम डार्क स्किन टोन के लिए बेस बनाएंगे। इसके अंदर हमें चीज़ें क्या चाहिए होंगी, सबसे पहले जैसे अभी विंटर सीजन स्टार्ट हो गया है, तो हम विंटर सीज़न चाहे आपके शादी का मेकअप हो, चाहे आपका वलीमे का मेकअप हो, आपका पार्टी का मेकअप हो, आपका कैजुअल मेकअप हो, वो किस तरीके से हम करेंगे, ये प्रोडक्ट्स आपको इन सब के लिए चाहिए होंगी। सबसे पहले जो मैं हमेशा बात करती हूँ कि CTM आपको करना होगा। तो ये जो बेस हम आज सीखेंगे ये ड्राई और ऑयली स्किन दोनों के लिए होगी, मिक्स स्किन के लिए भी होगी, लेकिन इसके अंदर वेरिएशन क्या होगी वो भी हम आपको बताएंगे। प्रोडक्ट्स आपको चाहिए होंगी, डैम ब्यूटी ब्लेंडर आपको चाहिए होंगे। आज हम बेस बनाना सीखेंगे जो क्रीमी बेसिस आती हैं, चाहे वो एक्वा की हैं, जो बिल्कुल क्रीम की शक्ल में है, जिनको पानी से वेट ब्रश के साथ यूज़ नहीं किया जाता लेकिन उनको ब्लेंड किया जाता है वेट ब्यूटी ब्लेंडर के साथ। इसी तरीके से क्रिस्टाइन की आ रही हैं, ये तकरीबन स्टिक्स से थोड़ा सा जो है इसका कंसिस्टेंसी थोड़ा कम होता है, इजीली ब्लेंडेबल होता है। उसके बाद हमें एक ब्रश चाहिए होगा, लार्ज वाला या स्मॉल वाला, जो आपको सूट करे, जो आपके पास अवेलेबल हो आप वो रख लीजिए। उसके बाद हमें लूज़ पाउडर या प्रेस पाउडर चाहिए होगा, ये चीज़ एक ही होती है ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, इसके अंदर लम्बा चौड़ा कोई वेरिएशन नहीं होता, सिर्फ हमारे सामने जो प्रोडक्ट आती है उसके चेंज हो जाते हैं। तो ये जो है फेस सीरम है जो कि ऑलरेडी मैंने बनाना बताया हुआ है चैनल पे, आप चाहें तो फरसाली का यूज़ कर सकती हैं, किसी और ब्रांड का यूज़ करना चाहें वो कर सकती हैं। उसके बाद हमें ड्यूई बेस बनाने के लिए हमें इल्यूमिनेटर चाहिए होंगे, तो यहाँ पे 3 शेड्स मैंने रखे हैं, एक है गोल्डन से शेड का और एक है वाइट शेड का और एक है पिंकी शेड का। ये किस स्किन के लिए कौन सा यूज़ होगा वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, लेकिन अगर आप लोग न्यू हैं हमारे चैनल पे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि कुछ ना कुछ नॉलेजेबल चीज़ें आपको ज़रूर मिलती रहेंगी। तो यहाँ पर हमने शेड्स जो हैं वो रखे हैं, 3 शेड्स हैं यहाँ पर, डार्क शेड्स हैं। मैं आपको शेड्स पढ़ के सुना देती हूँ, ये लोकल ब्रांड का है लेकिन जो फोकस हमने करना है वो है शेड्स के ऊपर। ये मैंने दराज से परचेज़ की थी सिर्फ आप लोगों को ये वीडियो बनाने के लिए। इसके अंदर है FS 45, ये शेड है। उसके बाद है FS 36, ये शेड है, और FS 38, ये शेड है। ये जो 2 शेड आपको नज़र आ रहे हैं FS 36 और FS 38, इसके अंदर थोड़ा सा जो है वो ब्राउनिश से कलर का लुक जो है वो इसके अंदर आ रहा है। अगर आपको नज़र आ जाए वीडियो के अंदर थोड़ा सा ब्राउनिश सा लुक नज़र आ रहा है, तो ये वाला जो FS 45 शेड है इसके अंदर थोड़ा सा डल लुक आ रहा है, मींस के जैसे पजमुर्दा सी स्किन होती है इस टाइप का लुक आ रहा है। तो बेसिकली जो वीटिश कलर होता है, जो डार्क वीटिश कलर होता है, उसके हिसाब से आज हम बेस बनाएंगे, क्योंकि जाहिर है आपके पास हर तरीके का कस्टमर आता है, आपने उसी हिसाब से चूज़ करना होता है। तो ये जो क्रीमी बेसिस होती हैं इसके अंदर हमें लम्बा चौड़ा कोई सा भी कंसीलर, लम्बी चौड़ी कोई भी चीज़ जो है वो कवरेज देने के लिए यूज़ नहीं करनी पड़ती, क्योंकि इनके अंदर ऑलरेडी कवरेज जो है वो मौजूद होती है, तो इसलिए हमें कंसीलर वगैरह की या कलर करेक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद जो है हमें, अगर तो उनका स्किन हाइड्रेटेड नहीं है तो फिर हम जो लिक्विड बेस है वो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन BB क्रीम ज़्यादा बेटर रहती है स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए। उसके बाद हमें जो है वो प्राइमर चाहिए होगा,
अब स्टार्ट करते हैं अपना एक्चुअल जो टॉपिक है हमारा, जो बेस हम बनाएंगे उसके लिए सबसे पहले हम जो है बात कर लेते हैं ड्राई स्किन की। CTM जो है फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कर लेना है। CTM के अंदर जिनकी ड्राई स्किन होती है उसके अंदर हम लाजमन जो है मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं, लेकिन अभी सीज़न ऐसा है कि उसके अंदर पैचेस बन जाते हैं विंटर के अंदर, तो विंटर के अंदर हम हमेशा जो है वो सीरम का यूज़ करते हैं, हम मॉइस्चराइज़र का यूज़ नहीं करते। क्योंकि अगर आपकी स्किन के ऊपर पैचेस बने हुए हैं, ड्राई स्किन है या थोड़ी देर बाद ड्राई हो जाती है, तो फिर आपकी स्किन के ऊपर पैचेस बनना शुरू हो जाएंगे। तो इससे बेहतर होता है कि ऑयल बेस्ड जो सीरम होते हैं वही आप यूज़ करिए, तो ये बेटर रहता है। लेकिन अगर आपकी स्किन ऑयली है, ज़रा सा गौर कीजिएगा, ज़रा सी तवज्जो की ज़रूरत होगी, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो फिर आपने जो सीरम है उसको स्किप कर देना है, क्योंकि क्रीमी बेसिस के अंदर जो है ऑयल कंट्रोल करने की फैसिलिटी होती है। तो अगर आपकी ड्राई स्किन है तो फिर हम जो है सीरम को ऐड करेंगे। इस तरीके से आपने सीरम को लगा लेना है। ये CTM का हमारे का हिस्सा है। पहले आपने क्लिनजिंग कर ली, उसके बाद आपने टोनिंग कर ली, उसके बाद मॉइस्चराइजिंग की जगह आपने सीरम जो है वो आपने लगा लिया ड्राई स्किन के ऊपर। लेकिन अगर ड्राई स्किन नहीं होगी, ऑयली स्किन होगी, तो फिर हम डायरेक्ट जो है अपना जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है उसको हम ऐड करेंगे। 5 मिनट का टाइम हम इसको देंगे। 5 मिनट के बाद हमने क्या करना है कि जो अगर तो स्किन हाइड्रेट नहीं है और मेकअप हाइड्रेट नहीं रहता, जो कस्टमर आता है हमारे पास, हम उससे डिस्कस कर लेते हैं कि आपकी स्किन के ऊपर प्रॉब्लम क्या आती है मेकअप के करने के टाइम, तो वो ज़रूर हमसे ऐसी बातें जो है वो डिस्कस कर लेता है और ये करनी भी चाहिए। उसके बाद हम जो है हाइड्रेट करने के लिए इसको यूज़ करेंगे और जो हमारा मेकअप का फर्स्ट स्टेप होगा वो हम प्राइमर लगाएंगे। प्राइमर इस तरह 2 ड्रॉप जो है वो आपके पूरे फेस के ऊपर पूरा आ जाता है। इसको हाथ के साथ ऐसे ब्लेंड कर देते हैं। इसको लगाने का मकसद क्या होता है, कार्ड के ऊपर आपको वीडियो नज़र आ जाएगा, वो चाहें तो देख सकते हैं कि प्राइमर क्यों इस्तेमाल किया जाता है। ये एक लेयर हमारी स्किन के ऊपर कायम हो गई है जो हमारी स्किन के अंदर मेकअप को पेनिट्रेट नहीं होने देगी, पोर्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है, जैसे मैंने कहा हाइड्रेट करना है स्किन को, तो सबसे पहले आपने जो स्टेप होता है वो है आपके लिक्विड बेस का, जो आपके स्किन टोन के हिसाब से होगा, या फिर आप बीबी क्रीम यूज़ करेंगी। बीबी क्रीम जो है वो हर स्किन शेड के हिसाब से होती है, तो यहाँ पे हम बीबी क्रीम जो है उसको थोड़ा सा ऐसे टैप टैप करके हम अप्लाई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लगाना है आपने, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। इस तरीके से आपने इसको वेट ब्यूटी ब्लेंडर के साथ इस तरह ब्लेंड कर लेना है। इस तरीके से हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। आप देखेंगे किस तरीके से फ्लॉलेस सी लुक आ रही है और बहुत ही जो है वो शानदार ऐसे बेस बनेगा इंशाल्लाह हमारा। उसके बाद जो हमारा सेकेंड स्टेप है उसके अंदर आता है, अब हम यूज़ करेंगे हमारी जो बेसिस हैं, क्रीमी बेसिस हैं, उसके अंदर शेड। तो शेड सबसे पहले सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है कि आपकी स्किन टोन का किस हिसाब से होगा, उसका भी वीडियो ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे हमारे जो व्हीटिश कलर होता है वो थोड़ा सा डार्क होता है, और उसके ऊपर हम जब उसी के शेड के हिसाब से हम जो है वो बेस लगाते हैं। तो अभी का जो बेस है ये आपका ब्राइडल बेस है। आप किस तरीके से बनाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें स्किन टोन जो है अगर ये है तो इसको हम अप्लाई करेंगे। इस तरीके से करके हमने अप्लाई कर लिया इसको, अब हम ब्लेंड करेंगे इसको स्किन टोन के हिसाब से। आपने चलना है, पहला जो फाउंडेशन होता है वो हम स्किन शेड के हिसाब से ही लगाते हैं, उससे एक टोन ज़्यादा फेयर जो है आप नहीं लगा सकते। ये हमारा जो है वो बेस इस तरीके से रेडी हो गया। वेट ब्यूटी ब्लेंडर के साथ हमने इसको ब्लेंड कर लिया। अब ये जो बेस है ये आपका ग्रे भी नहीं होगा, पैची भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि स्किन जो है वो हाइड्रेट भी रहेगी बीबी क्रीम की वजह से, स्किन हाइड्रेट रहेगी प्राइमर की वजह से, पैचेस नहीं बनेंगे आपका जो सीरम हमने लगाया है उसकी वजह से, और उसकी वजह से ही आपके पैचेस भी नहीं होंगे और मेकअप भी ग्रे नहीं होगा। ये हमारे बेसिक स्टेप हैं जहाँ पे हम गलती कर जाते हैं। और सेकंड नंबर पे जो हमारा जो
स्टेप होता है वो होता है ब्लेंडिंग का। अगर आप ब्लेंड नहीं करते हैं अच्छे तरीके से बेस को और लगा के इस तरह बस हल्का सा ऐसे करके छोड़ देते हैं तो वो जहाँ पे रहती है वो जम जाती है। सेकंड नंबर पे एक मेथड आपके पास ये हो गया। सेकंड नंबर पे क्या है कि आप थोड़ा सा बेस लीजिए इस तरीके से अपने हाथ के ऊपर रखिए, ये मैं ऑयली स्किन का बता रही हूँ ठीक है। और उसके बाद जो है सम ड्रॉप्स आपने 2 से 3 कतरे जो है वो इनफ होते हैं, 2 से 3 कतरे आपने इसके अंदर ऐड कर लेने हैं। मैंने यहाँ 2 ड्रॉप ऐड किए हैं। उसके बाद बेस को हम इस तरीके से मिक्स करेंगे और ये वाला वीडियो मैं ऑलरेडी बना भी चुकी हूँ, अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं, कार्ड के ऊपर आपको नज़र आ जाएगा कि कौन सा वीडियो है। आप देखिएगा दोनों बेसिस के अंदर फ़र्क क्या आता है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ड्राई स्किन के लिए हमने सीरम ऐड कर लिया, अब मैं इसको विट ब्यूटी ब्लेंडर के साथ जो है मैं ब्लेंड कर लेती हूँ। जो हमने बेस यूज़ की है वो एक ही शेड हमने यूज़ किया है 45 वाला ठीक है, एक ही शेड मैंने दोनों बेसिस के अंदर यूज़ किया है। लेकिन अब आप देखिएगा कि इन दोनों में फ़र्क क्या आएगा। सेकंड जो है वो मेथड ये होता है कि हम ड्राई स्किन के ऊपर इस तरीके से बना सकते हैं बेस ताकि पैचेस ना बने। अब इसकी लुक आप देख लीजिए और इसकी लुक आप देख लीजिए, टोटली स्मूथ लुक आ रही है। और चूंकि मेरा कलर वीटिश नहीं है तो थोड़ा सा आपको चेंज जो है वो लग सकता है। और इसके ऊपर देख लीजिए, ये थोड़ी सी जो है वो शाइन भी कर रही है ठीक है। सीरम हालांकि हमने दोनों के अंदर ऐड किया है लेकिन यहाँ पे जो हमने सीरम यूज़ किया है वो स्किन के ऊपर, चूंकि हमने 5 मिनट का टाइम दिया है तो वो स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो गया है। लेकिन यहाँ पे जो हमने बेस बनाया है वो हमने बेस के साथ सीरम को यूज़ किया है तो इसको पेनिट्रेट होने में, स्किन के अंदर अपनी जगह बनाने में थोड़ा सा वक्त लगेगा ठीक है। तो जब हम बेस यूज़ करेंगे जिनकी ऑयली स्किन है उनके लिए तो हम सिंपली यूज़ करेंगे, हम सीरम ऐड नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम ऑयली स्किन के लिए बनाते हैं किसी भी शेड की बेस तो उसके लिए आपको सिर्फ प्राइमर अप्लाई करने के बाद बेस अप्लाई कर लेनी है। और जो ऑयल ड्राई स्किन होगी उसके लिए आपने मस्ट जो है आपने यूज़ करना है विंटर के अंदर सीरम। अब हम इसको जो है फ्लॉलेस किस तरीके से बनाएंगे इस चीज़ को हम ऐड कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप आपको समझाती हूँ। अगर आप फ्लॉलेस बनाना चाहते हैं तो जो ड्रेस की लुक होती है, जो कलर होता है उसके हिसाब से ही हम जो है इसके अंदर शामिल करते हैं कोई सा भी इल्यूमिनेटर। इल्यूमिनेटर आजकल बहुत इन है और सेकंड इसका जो ऑप्शन होता है वो भी आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको बताऊंगी। इल्यूमिनेटर जो है आपने ड्रेस के हिसाब से और कलर के हिसाब से चूज़ करना है। ब्राइड्स के लिए ज़्यादातर जो गोल्डन शेड होता है वो यूज़ किया जाता है और अगर आप नॉर्मली आपका जो फेयर कलर होगा उसके लिए हम जो है ये 2 कलर्स हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन स्किन टोन के हिसाब से, जैसे मैंने लास्ट वाली वीडियो के अंदर बताया कि किस तरीके की जो है वो स्किन टोन्स होती हैं, तो अभी मैं ये वाला इल्यूमिनेटर जो है गोल्डन शेड वाला ये मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। सेकंड इसका स्टेप क्या है कि जैसे हमने बेस बनाई थी ये वाली, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपने एडिंग इसकी करनी है। इस तरीके से थोड़ी सी क्वांटिटी लेकर जो है आपने इसके ऊपर अप्लाई कर देना है और आप देखिए कि वीडियो के अंदर भी आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ के ऊपर थोड़ा सा ग्लो ग्लो है, थोड़ा सा ड्यूई ग्लोई सा लुक आ रहा है, शाइन कर रहा है। क्योंकि जो ब्राइडल का बेस होता है वो बेसिकली पूरा फेस उसका जो है वो ग्लो करना चाहिए और अच्छी लुक आनी चाहिए। जो हमने यहाँ पे बेस बनाया है उसके लिए जब हमने सीरम ऐड किया था उसी टाइम ही हम, यानी फाउंडेशन हम रखेंगे इस तरीके से। फाउंडेशन हमने लिया और उसके बाद क्या है कि इल्यूमिनेटर जो है वो थोड़ा सा हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। अगर तो ड्रेस का कलर जो है वो बहुत ही ज़्यादा लाइट आ रहा है तो फिर आपने भी जो है वो लाइट शेड इसके अंदर मिक्स करना है इल्यूमिनेटर का। अब चूंकि हम डार्क स्किन के ऊपर बना रहे हैं तो गोल्डन शेड यूज़ होगा और अगर आप फेयर येलोइश स्किन टोन के हिसाब से बना रहे हैं फेयर कलर के लिए वाइट यूज़ होगा और येलोइश के लिए भी गोल्डन यूज़ होगा। ये देखिए इस तरह से हमने इसके अंदर मिक्स कर लिया और फिर उसके बाद हम इसको ब्लेंड कर देंगे। इस तरीके से हम इसको
बेस को ब्लेंड कर देंगे। अब देखिए कि दोनों बेसिस के अंदर जो है वो क्या फ़र्क आपको महसूस हो रहा है। 1, 2 और 3 एक ही वीडियो के अंदर मैंने आपको 3 स्टेप्स बता दिए। अब इसके ऊपर जो भी हमने 1 टोन फेयर का जो शेड हमने इस्तेमाल करना है, जो भी आपका शेड है वो आप इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन इस हिसाब से अगर हम चलें तो फिर हमें जो है ये F1 वाला जो शेड है, थोड़ा सा अगर मैं आपको दिखा सकूं, कैमरा आपको दिखा सके, तो 1 टोन जो है ये फेयर की तरफ जा रहा है, ये थोड़ा सा डल है और ये थोड़ा सा फेयर शेड है, ठीक है जी। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो ये वाला थोड़ा सा डार्क है और ये वाला थोड़ा सा फेयर है। तो इस तरीके के जो सलोन के अंदर हमें तमाम चीज़ें जो हैं वो रखनी पड़ती हैं, क्योंकि कस्टमर हमें नहीं पता होता कि किस टाइप का आपके हमारे पास आएगा। अब फेयर टोन का जो शेड है, मैं सभी जो 3 बेसिस हमने बनाई हैं मैं उनके ऊपर जो है इस तरीके से लगा दूंगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने कौन से वाली बेस जो है वो यूज़ की है और उसका क्या रिज़ल्ट रहा है। इस तरीके से हमें थोड़ी सी आसानी हो जाती है कि कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको हम जो है वो क्वेश्चन आंसर के अंदर जो है वो शेयर कर लें। उसके बाद यहाँ पे भी मैं इसको वेट ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंडिंग जो है देखिए बहुत मानी रखती है इसके अंदर, चाहे आपका आई मेकअप हो, चाहे आपका जो फेस का मेकअप है, फाउंडेशन आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए, तो ब्लेंडिंग जो है वो बहुत मानी रखती है। वेट ब्यूटी ब्लेंडर आपका होना चाहिए, अगर ड्राई हो जाता है तो फिर जो है बेस ब्लेंड अच्छे तरीके से नहीं होगी। तो ये देखिए हमारी जो बेसिस हैं वो हो गई हैं रेडी इस तरह से, और सभी के अंदर आप देख सकते हो कि बिल्कुल फ्लॉलेस सी लुक आ रही है। लेकिन ये वाली जो बेस हमने बनाई है प्राइमर के साथ, इसकी बात ही और नज़र आ रही है। अगर आपको नज़र आ रहा हो तो इसमें थोड़ी सी चेंज है, और जहाँ पे हमने प्राइमर यूज़ नहीं किया तो यहाँ पे हमारा जो मेकअप है वो ग्रे होना शुरू हो गया है, ठीक है। अगर आपको कैमरा दिखा सके तो यहाँ पे जो है हमारा जो मेकअप है वो यहाँ से उड़ना भी शुरू हो गया है और ग्रे भी होना शुरू हो गया है। ये फ़र्क है एक्चुअली, जो हम मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं, हम जो भी मेथड यूज़ करेंगे बेस बनाने के लिए उसके अंदर फर्स्ट स्टेप जो है प्राइमर का वो हमने मस्ट अप्लाई करना है। हम क्या करते हैं कि समटाइम छोड़ देते हैं पैसे बचाने के लिए, या प्रोडक्ट नहीं है कुछ भी, तो हम जो है पहला स्टेप छोड़ देते हैं। जब आप पहला स्टेप बेस आप छोड़ देंगे उस चीज़ की, तो फिर इमारत नहीं रेडी होगी, फिर तो यही असर होगा जो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। मेकअप ये ग्रे होना शुरू हो गया है, भले आपको शायद कैमरा में ना नज़र आ रहा हो लेकिन ये मेकअप ग्रे होना शुरू हो गया है, ठीक है जी। इसको भी बनाने के लिए थीम ये बिल्कुल वही है, थीम आपने यही रखना है फाउंडेशन का। तीनों में से जो भी आप बेस बनाते हैं वो आप इसी इन तीनों में से किसी भी टाइप की आप बना सकते हैं, लेकिन इसके अंदर फ़र्क क्या है कि अगर आपने प्राइमर यूज़ नहीं किया तो ग्रे हो जाएगा। जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था कि ग्रे क्यों हो जाता है मेकअप, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगी, तो ये मैंने आपको डेमो इसका दे दिया है। उसके बाद हमारा जो फाइनल स्टेप होता है वो होता है हमने लगाना है प्रेस पाउडर, लूज पाउडर, पैनकेक, जो आपके पास अवेलेबल हो, इस तरीके से थोड़ा सा लेके इसको ऐसे झाड़ लेते हैं ताकि एक्स्ट्रा जो है वो उतर जाए। उसके बाद इस तरह से फेस के ऊपर, तमाम के ऊपर जो है वो इस तरह लगा लेते हैं। तो ये जो है, वैसे तो इसके ऊपर लगाने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि आईज़ को भी ये कंसील कर देता है, और फेस के ऊपर इसको लगाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जिनकी ऑयली स्किन है उनको लाजमन इस चीज़ की ज़रूरत होगी। जिनकी ड्राई स्किन है उनके लिए आप बहुत ही थोड़ा सा प्रोडक्ट लगा सकते हैं, अगर ना लगाएं तो तब भी ठीक है, लेकिन अगर आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए लगाना चाहते हैं तो वेल एंड गुड। और ड्राई स्किन के लिए जो है आप सीरम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये था आज का हमारा वीडियो, होपफुली कि आपको आज क्रीमी बेस के साथ बेस बनाना जो है वो पता चल गया होगा, और क्यों हमारा मेकअप पैची और ग्रे हो जाता है ये भी आज आपको समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नई वीडियो में, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।